हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो आप टाइटल देखकर समझ ही गए होंगे। तो आज हम पहनेंगे साड़ी। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका मैंने दिखाया है ताकि हर कोई बहुत ही इजीली साड़ी पहन सके, और साथ ही में हम इसे फैंसी लुक भी देंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ओके, सो सबसे पहले आपको साड़ी का प्लेन साइड लेना है। दो साइड्स होते हैं साड़ी के, एक प्लेन साइड होता है जहाँ से साड़ी स्टार्ट होती है, और दूसरा साइड होता है फैंसी साइड जहाँ पर बॉर्डर्स बनी होती हैं, जिसे हम पल्लू कहते हैं। तो प्लेन साइड को इस तरीके से पेटीकोट पर टक इन कर लें, एंड मेक श्योर कि पेटीकोट आपने टाइट बांधा हो, अदरवाइज आपकी साड़ी लूज भी हो सकती है। सो जितना पॉसिबल हो सके पेटीकोट को टाइट बांधें। और अब इस तरीके से एक पूरा फेरा लगाते हुए साड़ी को टाइट खींचकर पेटीकोट के अंदर टक इन कर लें। अगर आप हील्स वेयर करने वाली हो तो साड़ी पहनते वक्त ही आप हील्स पहन लें, एंड लेंथ आप इतनी रखें कि साड़ी बस हल्का सा फ्लोर को टच करे। और अब इस तरीके से साड़ी को लेकर इसके पल्लू तक जाएं और इसकी रफली प्लेट बना लें। अभी हमें बस इकट्ठा करना है पल्लू को। और अब पल्लू को पीछे से घुमाकर अपने लेफ्ट वाले शोल्डर पर रखें, एंड पल्लू का लेंथ आप अपने हाइट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब हम पल्लू की अच्छे से प्लेट्स बनाएंगे। तो पल्लू के ऊपर के हिस्से को आप अभी ऐसे ही टक इन कर लें और पल्लू को लेकर इसकी प्लेट्स बनाना स्टार्ट करें। तो इस तरीके से इंडेक्स फिंगर और थंब की हेल्प से दोनों के बीच में दबाते हुए हमें प्लेट्स बनानी है। और अगर आप ज़्यादा चौड़ी बॉर्डर रखना चाहते हैं तो प्लेट्स के बीच का गैप ज़्यादा रखें। अब ऊपर उठाकर इसकी प्लेट्स को अलग अलग करते हुए इकट्ठा करें इस तरीके से। अगेन इसे ऊपर उठाएं और दोबारा से उसी तरह प्लेट्स को एक साथ कर लें। ओके, सो पल्लू की प्लेट्स को हमने बना लिया है। तो अब इसे कंधे पर रखकर सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें ब्लाउज के साथ प्लेट्स को सेफ्टी पिन से अटैच कर लेना है। अटैच करने के बाद दोबारा से आप प्लेट्स को एक साथ करें और इस तरीके से हाथ से अंदर की तरफ इसे प्रेस करें, और यहाँ पर भी आप एक सेफ्टी पिन को लगा दें। अब पल्लू के ऊपर के हिस्से को खोलकर अच्छे से सेट करते हुए इसे सामने लेकर आएं। आप इसे थोड़ा टाइट ही रखें। और अब साइड में भी हमें यहाँ पर इसकी छोटी छोटी प्लेट्स बनानी है। तो कपड़े को उठाते हुए आप इसे खींचकर छोटी छोटी प्लेट्स में बनाकर एक साथ कर लें। तो इस तरीके से हमें इसे खींचते हुए बनाना है। मैं रिपीट में आपको दिखा रही हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकें। प्लेट्स को इकट्ठा करने के बाद सेफ्टी पिन लगाकर इसे भी अटैच कर लें। और अब जो भी फैब्रिक बचा हुआ है उसकी प्लेट्स हमें बनाना है। तो राइट हैंड पर पकड़कर हमें इसकी प्लेट्स बनानी है। अगेन इंडेक्स फिंगर और थंब की हेल्प से बीच में दबाते हुए इस तरीके से हम इसकी प्लेट्स बना लेंगे। और यहाँ पर भी हमें एक सेफ्टी पिन लगा लेना है। अब हमें इसे ऊपर उठाकर सारी प्लेट्स को अलग अलग करते हुए इस तरीके से एक साथ कर लेना है, और उसके बाद इसे पेटीकोट के अंदर टक इन कर लें। एक और सेफ्टी पिन हमें नीचे भी लगानी है। तो दोबारा से सभी प्लेट्स को इकट्ठा करें और साइड में हमने जो प्लेट्स बनाई थी उसके साथ खींचकर इसे पिन से अटैच करें। नाउ मेक श्योर कि यहाँ पर कोई भी फैब्रिक लूज ना हो, सब कुछ टाइट हो। ऐसा करने से हमारी वेस्ट और कर्व्स इन्हेंस होते हैं और बहुत ही अच्छा लुक आता है। अब साइड में हमने जो प्लेट्स बनाई थी उसे दोबारा से इस तरीके से सेट कर लें। एक पिन मैं पल्लू पर भी लगाऊंगी, सो इट्स योर चॉइस अगर आप लगाना चाहते हैं तो। सभी प्लेट्स को इकट्ठा कर मैं अंदर से इस तरीके से यहाँ पर लगा लूँगी। एंड वी आर डन। आई होप गाइज इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से साड़ी को ड्रेप कर पाएंगी, और इसी तरीके से आप कोई भी साड़ी पहन सकती हैं। सॉफ्ट साड़ी हो या फिर हैवी साड़ी हो, इसी तरह से अगर आप पहनेंगी तो बहुत ही अच्छा लुक आएगा।
ओके गाइस, आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग।